वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पिलर जहाँ पे थे वहाँ से ज़मीन खिसक गई, तो ये लोगों गुहार लगाते रहे प्रशासन से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कर पे। आज इसके माध्यम से एक तो लोगों को नुकसान यहाँ पे हुआ, कनेक्टिविटी में काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों को अब दूर का सफ़र तय करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि प्रशासन की अनदेखी के कारण आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरी ताकत से भाजपा के लोगों को यहाँ पर दिया, लेकिन रख रखाव के लिए पूरे जम्मू शहर में 24 घंटे से भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। हर जगह पर पानी का सैलाब, हर जगह पर लोगों के अंदर पानी जाना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो स्मार्ट सिटी के दावे करते थे वो पोल खुल के रह गई। सुबह 2 घंटे सिर्फ बारिश हुई है और ये पुल जो 2008 में बना था इसके जो किनारे थे वो उनकी मिट्टी निकल गई और ये पुल पूरा का पूरा नीचे बैठ गया है। और यहाँ के जो जमींदार लोग हैं उनकी ज़मीन, किसी की 8 कनाल ज़मीन कटी है, किसी की 2 कनाल ज़मीन कटी है, ये बेचारे कब से गुहार लगा रहे थे गवर्नमेंट से यहाँ पे क्रेटिंग की जाए साइडों पे, तो हमारे जो नुकसान है उसको हमें बच सके, मगर किसी ने यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। आज करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया।